हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर। ओके, और इस वीडियो में मैं CDS, IAS, RRB, NTPC, JPSC, UPPCS, इस सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ और उन क्वेश्चंस का आंसर भी साथ में करते जा रहा हूँ। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने इनकम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस और इन्हीं एग्जामिनेशंस में पूछे गए प्रश्नों को लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस को उनके आंसर के साथ डिस्कस किया हुआ था। और मैं इस वीडियो में आज फिर उससे आगे 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 51 क्वेश्चन। द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वर्षा की बूंदे, वो स्फेरिकल क्यों होती है? तो उनका कारण है सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, इफ ए सीफ मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर इट विल, इफ ए सीफ, यदि एक जहाज सीफ मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर इट विल, क्या होगा? और सिंक कंप्लीटली, सिंक ए लिटल बिट, राइज ए लिटल बी हायर, रिमेन अनअफेक्टेड। तो वो क्या होगी, सी वाटर में जाएगी तो राइज ए लिटल हायर, ये कुछ ऊपर आ जाएगी, लिटल हायर। द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पॉइज़ली। ठीक है, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइज़ली। द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ फ्लोटेशन इज, जिसको हम लोग उत्प्लावन कहते हैं, द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ फ्लोटेशन इज आर्कमिटीज, जैसे आर्कमिटीज का सिद्धांत आर्कमिटीज ने दिया था जो रिलेटेड है फ्लोटेशन से, द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ फ्लोटेशन इज आर्कमिटीज। ओके, आर्कमिटीज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर टेली कम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन ए जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, ए सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, द ऑर्बिट इज सर्कुलर, द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ, अर्थस इक्वेटर, द ऑर्बिट इज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि सैटेलाइट यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले आर केप्ट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, कि जो सैटेलाइट में टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो यूज किए जाते हैं, सैटेलाइट्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, मतलब टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट यूज किए जाते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो वे क्या होते हैं, ए सैटेलाइट इज सेड टू बी इन सच एन ऑर्बिट व्हेन, और ये एक ऑर्बिट, ये जो सैटेलाइट है उस ऑर्बिट में कहा जा सकता है, द ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस, द ऑर्बिट इज सर्कुलर, द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, द ऑर्बिट इज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर, देन ये सेलेक्ट करना है ऑप्शन। तो क्या होगा, फर्स्ट में होगा आपका द ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस, द ऑर्बिट इज सर्कुलर, एंड थ्री ऑफ द ऑर्बिट लाइज इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, मतलब ये आपका होगा 1, 2, 3, तीनों होगा, इसलिए से आपका जो ऑप्शन होगा ये 1 मैच करेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड अपवर्ड्स, यदि एक सिक्के को अपवर्ड्स ऊपर की ओर उछाला जाता है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, देन इट राइजेस टू ए हाइट, तब वो कितने हाइट तक जाएगी, तो ये जाएगी आपकी 9.8 मीटर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन
The audible range is, the frequency of sound waves in audible range is, जहाँ तक हम लोग साउंड वेव्स को सुन सकते हैं, जहाँ तक ये ऑडिबल है, वो रेंज क्या है, 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इन द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज, ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए वाइंड इन ए टोर्नेडो टुवर्ड्स द सेंटर, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए वाइंड इन ए टोर्नेडो टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगा, डिक्रीज रैपिडली, इंक्रीजेज, रिमेन कॉन्स्टेंट, स्लोली बिकम्स जीरो, क्या होगा ये, इंक्रीजेज मीन्स ये इंक्रीज करेगा। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए वाइंड इन टोर्नेडो टुवर्ड्स द सेंटर इट इंक्रीजेज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इधर ऊपर की ओर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर वेलोसिटी है, इधर आपका टाइम है, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन अबव इलस्ट्रेट्स, ये क्या बताता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, ये घटते जा रहा है ना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपका एक्सेलरेशन इसमें कम होते जा रहा है, इसलिए आपका हो गया न यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर वेकम इज, जो साउंड का स्पीड होता है वेकम या एयर में वो कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए 330 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है साउंड इज ए, साउंड क्या है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स नॉन मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल नॉन मैकेनिकल वेव, ये आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक वेव हैज इट्स फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक वेव हैज इट्स फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ज, मोर देन 20 हर्ज, एंड मोर देन 20,000 हर्ज, 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज, जो सही ऑप्शन है वो है आपका मोर देन 20,000 हर्ज, दैट मीन अल्ट्रासोनिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी 20,000, मोर देन 20,000 हर्ज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इंफ्रा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रासोनिक वेव हैज इट्स फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, इंफ्रासोनिक वेव हैज इट्स फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक वेव जो होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, लेस देन 20 हर्ज, मोर देन 20 हर्ज, लेस देन 20,000 हर्ज, मोर देन 20,000 हर्ज, जो तो इंफ्रासोनिक वेव हैज इट्स फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ज, इंफ्रासोनिक वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ज से कम होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 64th नंबर, द नॉइज ऑफ 100 डेसिबल इज एज्यूम्ड टू बी, द नॉइज ऑफ 100 डेसिबल इज एज्यूम्ड टू बी ए नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन ऑफ ए शॉप एंड लिसेंड एट अनदर नेबर्स प्लेस, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ठीक है। द नॉइज ऑफ ए 100 डेसिबल इज एज्यूम्ड टू बी, तो इसमें ऑप्शन है 4, ए प्रॉपरली लिसेंड साउंड, ए ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन, ए नॉइज ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन है डी नंबर, ए नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन ऑफ ए शॉप एंड लिसेंड एट अनदर नेबर्स प्लेस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो 100 डेसिबल नॉइज को एज्यूम्ड किया गया,
And the next question, 65 number, the focal length of a convex lens is, convex lens means उत्तल lens का जो focal length होता है वो, the focal length of a convex lens is the same for all colors, shorter for blue light than for red, shorter for red light than for blue, maximum for yellow light, तो जो focal length होगा convex lens का वो क्या होगा, shorter for blue light than for red, blue light के लिए short होगा than for red. उसके बाद है next question, if the door of a running refrigerator in a closed room is kept open, what will be the net effect on the room? मान लीजिए कोई refrigerator है, उसके door को अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है. इफ द डोर ऑफ ए रिमेनिंग ऑफ ए, इफ द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इन ए क्लोज्ड रूम इज केप्ट ओपन, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन द रूम. जब कोई भी रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है. इट विल कूल द रूम, इट विल नॉट हीट द रूम, इट विल मेक नो डिफरेंस ऑन द एवरेज. तो क्या होता है, इट विल हीट द रूम, ये रूम को गर्म कर देता है, ये रूम को गर्म कर देता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज फॉर, जो डेसिबल यूनिट होता है वो किसके लिए होता है, 67 नंबर डील कर रहे हैं. Decibel is the unit of physical quantity used for the speed of light, the intensity of heat, the intensity of sound, the frequency of radio waves. तो जो decibel जो unit होता है वो physical quantity आपका intensity of sound, intensity of sound, ठीक है, intensity of sound, ध्वनि की तीव्रता. And next question, 68 number, the echo is produced by the sound waves due to, the echo is produced by the sound waves due to the reflection of sound, means जो echo, जो जब हम कोई भी आवाज को निकालते हैं तो जो आवाज टकराता है उसी को बोलते हैं reflection, reflection of sound, the reflection of sound, the scattering of sound, the reflection of sound, none of the these. तो जो echo होता है वही reflection of sound होता है, जो आवाज़ कहीं भी सतह से टकराता है तो वही क्या कहलाता है, echo, the reflection of sound. And the next question, 69th number, sonar is frequently used by, sonar, S-O-N-A-R, sonar is frequently used by astronauts, doctors, engineers, navigators. तो ये नाविक navigators के द्वारा यूज किया जाता है आपका sonar, sound, navigation and ranging, sonar, sound, and next question, the pitch or frequency of the siren of a coming train appears to be increasing because of, the pitch or frequency of the siren of a coming train appears to be increasing because of, जो किसी तरफ से आने वाली जो ट्रेन होती है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है सायरन का वो कैसा अपीयर होता है, कैसा प्रतीत होता है कमिंग ट्रेन का. The pitch or frequency of the siren of a coming train appears to be increasing because of, जब वो कोई भी ट्रेन हमारी नज़दीक की ओर आ रही होती है तो उसका सायरन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किस तरह होता है और वो क्यों, मतलब क्यों बढ़ते जाता है. appears to be increasing because of Big Bang Theory, Doppler's Effect, Charles Law, Archimedes Principle. तो ये जो आपका इफेक्ट काम करता है वो ये Doppler's Effect के कारण ही आपका इंक्रीजिंग इंक्रीज करता है, दैट इज ट्रेन appears to be increasing because of Doppler's Effect, Doppler's Effect, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर,
The normal temperature of the human body is the normal temperature of the human body is मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है 307 केल्विन 310 केल्विन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉल ड्रॉप्स इनटू द फ्लोर इट बाउंसेस, व्हाई डज इट बाउंस। जब कोई भी गेंद को जमीन की सतह पर टकराया जाता है, मतलब उछाला जाता है, तो वो मतलब गिराया जाता है तो वो क्यों उछलता है। व्हेन ए बॉल ड्रॉप्स इनटू द फ्लोर इट्स बाउंसेस, जब कोई भी गेंद को हम फ्लोर पे गिराते हैं तो वो क्या करता है, बाउंस करने लगता है, क्यों, व्हाई डज इट बाउंस। न्यूटन्स थर्ड लॉ इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी एक्शन ड्रॉप देयर इज अ रिएक्शन। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, द न्यूटन्स थर्ड लॉ इम्प्लाइज दैट। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार क्या होता है कि एवरी एक्शन ड्रॉ देयर इज अ रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये है आपका थर्ड न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो इसी के अनुसार क्या होता है, जब बॉल को नीचे हम गिराते हैं तो वो ऊपर की ओर आ जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ इम्प्लाइज दैट फॉर एवरी एक्शन ड्रॉप देयर इज अ रिएक्शन बाउंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज, जो भी लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, विच वन अमंग द फ्लोइंग विल यू पुट इन टू प्योर वाटर इन ऑर्डर टू पास इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट। Which one among the flowing will you put into pure water in order to pass electric current through it? हम इनमें से किसको हम रखेंगे जिससे कि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगे। Which one among the flowing will you put into pure water in order to pass electric current through it? हम इनमें से किसको प्योर वाटर में रखेंगे कि प्योर वाटर में करंट पास होने लगे। फर्स्ट है केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल, लेमन जूस, शुगर। तो हमें किसको रखना होगा, शुगर को रखेंगे। शुगर को जब प्योर वाटर में रखेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगा। ठीक है, तो प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए इनमें से क्या रखना है, शुगर को रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 75, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ ए हेल्दी मैन इज कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको केल्विन में कितना बताया था, ओ नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी 310 केल्विन। ठीक है, तो 310 केल्विन, और इसका इसमें क्या बताएं, हेल्दी मैन का 37 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ ए हेल्दी मैन इज 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ वन कॉनकेव मिरर एंड वन कॉन्वेक्स। Two convex lenses of equal focal length, two concave mirrors of different focal lengths, two convex lenses of unequal focal lengths,
तो क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, एक जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है उसमें क्या होता है, टू कॉन्वेक्स लेंसेस, दो उत्तल लेंस होते हैं ऑफ अनइक्वल फोकल लेंथ, अनइक्वल फोकल लेंथ के दो कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं, किसमें, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो उत्तल लेंस होते हैं अनइक्वल मतलब विषम फोकस दूरी वाले, टू कॉन्वेक्स लेंसेस ऑफ अनइक्वल फोकल लेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 77th नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मरकरी, वाटर, लेदर, बेंजीन। तो इसमें जो मोस्ट, इसमें जो सबसे अच्छा कि जो ही कंडक्टर है हीट का वो क्या है, मरकरी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसमें क्या है, मरकरी बेस्ट कंडक्टर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गारमेंट्स कीप अस वार्म इन द विंटर सीजन बिकॉज दे, गारमेंट्स कीप अस वार्म इन द विंटर सीजन बिकॉज दे प्रोवाइड हीट, डोंट रेडिएट हीट, प्रिवेंट एयर फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी, प्रिवेंट हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम गोइंग एक्सटीरियर। तो जो गारमेंट्स, जो वस्त्र होते हैं, क्या करते हैं, प्रिवेंट एयर फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या बता, एयर को रोकता है, जो वस्त्र होते हैं वो हवा को रोकते हैं, ठीक है, बॉडी के संपर्क में आने से, प्रिवेंट एयर फ्रॉम कमिंग इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी। एंड द नेक्स्ट 79th नंबर, ए ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट टर्न इन टू आइस एज इट रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज बिकॉज वाटर डज नॉट सॉलिडिफाई एट 0 डिग्री सेल्सियस, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू द ग्लास ऑफ वाटर सो एज टू सॉलिडिफाई, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू द ग्लास ऑफ वाटर सो एज टू सॉलिडिफाई, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि ए ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट टर्न इन टू आइस एज इट रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस, एक ग्लास को जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो वो उसको क्या, सोल्ड, इट इज बिकॉज डज नॉट टर्न इन टू आइस, जब ग्लास में रखा हुआ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तब भी ये सोलिडिफाई नहीं होता है, मतलब ये आइस में कन्वर्ट नहीं होता है। ए ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट टर्न इन टू आइस एज इट रीचेज 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज बिकॉज, क्योंकि ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू द ग्लास ऑफ वाटर सो एज टू सोलिडिफाई, तो ग्लास को सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है ताकि वो सोलिडिफाई हो जाए, ठीक है। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू ग्लास ऑफ वाटर सो एज टू सोलिडिफाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 80th क्वेश्चन नंबर, क्रायोजेनिक्स आर यूज्ड इन, क्रायोजेनिक्स आर यूज्ड इन स्पेस जर्नी, सर्जिकल वॉर्स एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस। जो क्रायोजेनिक्स का जो यूज होता है वो किसमें होता है, स्पेस जर्नी में और सर्जिकल वॉर्स और मैग्नेटिक रेजोनेंस में, ठीक है, स्पेस जर्नी, सर्जिकल वॉक्स एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, द मैन पावर सप्लाई इन इंडिया इज 220 वोल्ट, जो भारत में जो पावर सप्लाई है बिजली का वो कितना है, 220 वोल्ट, वर इज दैट इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट इज 110 वोल्ट, और यूनाइटेड स्टेट का जो पावर सप्लाई है वो है 110 वोल्ट। विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन दिस रिगार्डिंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा इससे संबंधित जो स्टेटमेंट है वो सही है, 110 वोल्ट इज सेफर बट मोर एक्सपेंसिव टू मेंटेन, 110 वोल्ट इज सेफर एंड चीपर टू मेंटेन, 110 वोल्ट लीड्स टू लोअर पावर लॉस, 110 वोल्ट वर्क्स बेटर एट हायर लेटिट्यूड्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है
कि 110 वोल्ट वर्क्स बेटर एट हायर लेटिट्यूड्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यू डज नॉट फॉर्म इन फास्ट विंड, द ड्यू डज नॉट फॉर्म इन फास्ट विंड फ्लोइंग ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज जो ड्यू होता है ओस वो तेज बहती हुई हवा में, रात की तेज बहती हवा में नहीं बन पाती है। द ड्यू डज नॉट फॉर्म इन फास्ट विंड ब्लोइंग ड्यूरिंग द नाइट बिकॉज, मतलब रात में तेज हवा बहने के कारण ओस नहीं बन पाती है, और इसका कारण क्या है, द रेट ऑफ वेपराइजेशन इज फास्ट, जो रेट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो तेज होता है, ठीक है। इसी कारण रात में हवा के तेज चलने से ओस नहीं बन पाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए स्टील बॉट फ्लोटिंग ऑन ए लेक फॉर ए स्टील बॉट फ्लोटिंग ऑन ए लेक द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉट इज द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉट इज क्या होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉट विच बिलो द वाटर लेवल ऑफ द लेक। क्या होगा कि जो बोट जो लेक में तैर रही है, फ्लोट कर रही है, तो उस वो जो जितना वो वाटर को हटाएगी, ठीक है, इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्ट ऑफ द बोट, जितना वेट होगा वाटर उस बोट का उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस्ड करेगी। इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्ट ऑफ द बोट विच इज बिलो द वाटर लेवल ऑफ द लेक। क्वेश्चन क्या था, फॉर ए स्टील बोट फ्लोटिंग ऑन ए लेक द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बोट इज, जितना वाटर वो डिस्प्लेस्ड करती है, ठीक है, फॉर ए स्टील बोट फ्लोटिंग ऑन ए लेक द वेट ऑफ द वाटर, वाटर का जो भार होगा, जल का जो भार होगा कितना होगा, डिस्प्लेस्ड बाय द बोट इज कितना होगा, इक्वल टू द वेट ऑफ द पार्ट ऑफ द बोट विच इज बिलो द वाटर लेवल टू द लेक, ठीक है, वाटर लेवल टू द लेक। द नेक्स्ट क्वेश्चन, 84th नंबर, द टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉयल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर व्हेन द टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉयल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज व्हेन द, क्या बोला जा रहा है, द टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉयल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इज लार्ज, जब रेक्टेंगुलर कॉयल में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होगा, ज़्यादा होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 नंबर, टू मेटेलिक वायर्स एंड बी आर ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव इक्वल लेंथ इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी इज डबल, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए देन विच वन अमंग द फ्लोइंग इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ बी, तब कौन सा वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। क्या बोला जा रहा है कि टू मेटेलिक वायर्स ए एंड बी आर ऑफ सेम मटेरियल, दो मेटेलिक वायर है और दोनों सेम मटेरियल का है, ठीक है, ए और बी दो वायर है और दोनों सेम मटेरियल का है एंड हैव इक्वल लेंथ और दोनों इक्वल लेंथ का भी है। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी इज डबल, यदि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी इज डबल, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बी का डबल है दैट ऑफ ए देन विच वन अमंग द फ्लोइंग इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ बी, तब बी का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या हो जाएगा, हाफ दैट ऑफ ए, हाफ दैट ऑफ ए, क्यों कि ये जो क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो उसका लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 नंबर, टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय ए
डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन एयर, टू थीन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंस 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन एयर, द कम्बिनेशन विल हैव द फोकल लेंस, कितना होगा, द कम्बिनेशंस विल हैव द फोकल लेंस 4 सेंटीमीटर, द क्या बोला जा रहा है, टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेस ऑफ फोकल लेंस 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन एयर, द कम्बिनेशन विल हैव द फोकल लेंस 4 सेंटीमीटर। एंड 37th नंबर, इन द आइसोथर्मल प्रोसेस विच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एंड द IT 88, इन द एडियाबैटिक प्रोसेस विच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सा टर्म कॉन्स्टेंट रहता है, तो इन द एडियाबैटिक प्रोसेस हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका हीट कॉन्स्टेंट रहता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द 89th नंबर, फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस आइडियल गैस इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आइडियल गैस इक्वेशंस होता है उसका जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, पी वी पावर गामा कॉन्स्टेंट, ये होगा आपका पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन 90th नंबर, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी इज इक्वल टू आर टी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होगा वो क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी, ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 91th नंबर, ए फैन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर, बिकॉज एक जो पंखा होता है वो गर्मी के दिनों में ठंडक का महसूस कराता है, ठंडक का महसूस कराता है वो क्यों कराता है, ए फैन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज आवर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर, फैन रिप्लाइज कूल एयर, कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, आवर परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली, ठीक है, तो क्या होता है जो हमारा पसीना होता है वो उसका वाष्पीकरण होने लगता है तेज़ी से, वाष्पीकरण में क्या होता है शरीर से हीट लिया हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसी कारण क्या होता है हमारा शरीर का हीट कम हो जाता है इसलिए हमें ठंडक महसूस होती है, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि जब गर्मी के दिनों में पंखा को चलाया जाता है तो जो गर्मी के कारण हमारे हमारे बॉडी में जो पसीने निकलते हैं और उन पसीनों जब पंखा को चलाया जाता है तो क्या होता है इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है और इवेपोरेशन के लिए हमारे बॉडी को चाहिए हीट, तो वही हीट एब्जॉर्ब किया जाता है इवेपोरेशन के द्वारा और हीट शरीर से एब्जॉर्ब किया जाता है इसीलिए हमें ठंडक महसूस होती है पंखा चलने पर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, और परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली। उसके बाद है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ओनली इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, only neutrons reside inside the nucleus of an atom, both protons and neutrons can reside inside the nucleus of an atom, question kya bol raha hai ki which one of the following statement is correct, inme se kaun sa statement correct hai, to first option kya hai, only electrons reside inside the nucleus of an atom, bola ja raha hai ki kya electron nucleus mein paya jata hai paramanu nucleus mein, nahi, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस में होता है नहीं है ये भी नहीं होगा, ओनली न्यूट्रॉन भी नहीं होता है, तो जो न्यूक्लियस एटम परमाणु के जो नाभिक में जो पाया जाता है कण वो क्या क्या होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स,
इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, डी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 नंबर, गैसेस हैव टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, गैसेस हैव टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, ऑप्शन नंबर है वन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड अनदर एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज क्या बोला जा रहा है, गैसेस हैव टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, किसमें होगा, वन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड अनदर एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए वन एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड अनदर एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 94th नंबर, द कार्नोट्स इंजन टैक्स हीट, कार्नोट्स इंजन कहाँ से हीट लेती है, द कार्नोट्स इंजन टैक्स हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, द कार्नोट्स इंजन टैक्स हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कार्नोट इंजन हीट को लेता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटो इंजन टैक्स हीट, द ऑटो इंजन टैक्स हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ऑटो इंजन टैक्स हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ, इंट्रोपी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर पैरामीटर, इंट्रोपी को इसी तरह डिफाइन किया जाता है कि डिसऑर्डरनेस ऑफ एनीथिंग दैट इज डिसऑर्डरनेस, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस दैट इज नोन एज इंट्रोपी एंड द डिसऑर्डर पैरामीटर इज द करेक्ट ऑप्शन, इंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर पैरामीटर, ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, द लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, आपका लाइट जो है प्रकाश वो ट्रांसवर्स वेव है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्स रेज टू दैट ऑफ गामा रेज, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्स रेज, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्स रेज टू दैट ऑफ गामा रेज, एक्स रेज और गामा रेज का जो गामा एक्स किरणें और गामा किरणें के वेग का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, इज लेस देन वन, इज ग्रेटर देन वन, इज वन, और डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू वन, मतलब इसका जो अनुपात होगा वो वन होगा, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्स रेज टू दैट ऑफ गामा रेज इज इक्वल टू वन, इज वन, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन 99th नंबर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज, जो प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का जो चाल होता है वो हवा या वैक्यूम में निर्वात में कितना होता है, तो प्रकाश की चाल या प्रकाश का जो वेग होता है हवा या निर्वात में वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑन राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, जब कोई मीडियम के टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज, लाइट का जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज। और तो यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चंस आज हो गए हैं, ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस आज हो गए हैं, और इससे पहले 50 क्वेश्चंस हो गए थे, तो टोटल अभी तक हो गए हैं 100 क्वेश्चंस। ओके, और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके CDS, IS और UPSC, JPSC, RRB, NTPC ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये और सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे इंटरव्यू और एग्जामिनेशंस और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर याद करें और समझें, ठीक है। Thank you for watching
और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।